खुश आमदीद मिसिस आगा टोरंटो। मिसिस आगा टोरंटो और हमारी उर्दू तकरीबात, आज की हमारी ये महफिल सऊद उस्मानी साहब के एजाज़ में है और यहाँ पर बहुत से शोरा और अदबी माहौल बनाने के लिए अदब से रिलेटेड बहुत से लोग मौजूद हैं। टैग टीवी हमेशा की तरह यहाँ पे आपको ये कवरेज देगा और आप दुनिया में जहाँ भी मौजूद हैं इस कवरेज को देख सकते हैं। हमारी पूरी टीम, कैमरामैन, हमारे प्रोड्यूसर और हमारी प्रोडक्शन की टीम एज यूजुअल आप सबको एंटरटेन करने के लिए यहाँ मिसेस आगा में मौजूद है। सऊद उस्मानी के साथ इस शाम के बारे में लोगों की आरा हम आपके साथ शेयर करेंगे। जी, आज की इस तकरीब में जो सऊद साहब के लिए है हमारे पास डॉक्टर हिना मौजूद हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये उर्दू अदब के बारे में और सऊद साहब के मकाम के बारे में क्या राय देना पसंद करेंगी। जी डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं ये कहूँ कि मुझे 1.5 साल कराची में गुजारने के बाद यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। दोबारा वापस ऐसे लग रहा है कि ये भी घर है, घर में ही हूँ। और सऊद साहब को वेलकम करने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आपको ये बताती चलूँ कि नौजवानों में सऊद साहब की शायरी को बहुत पसंद किया जाता है, चाहे कराची हो, चाहे लाहौर हो या पंजाब के दूसरे अज़ला। और उनकी शायरी जो है वो तरक्की पसंद और हमारे जदीद शायरी में हमें कनेक्टेड रखने में बहुत बड़ा अहम किरदार अदा कर रही है। जैसे पहले हमें सुनने में आता था ना कि अब जो हम टेक्नोलॉजी में एंटर हो रहे हैं तो शायरी का कोई रोल नहीं है, लेकिन देखने में आ रहा है कि नई जो नस्ल है, नौजवान जो लड़के हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज़ के, वो आइडियलाइज कर रहे हैं सीनियर्स को और उनकी पैरवी करते हुए जदीद शायरी और रिवायत से कनेक्टेड रहकर कह रहे हैं, तो जो कि बहुत खुशाइंद है। थैंक यू सो मच। आज की ये तकरीब जिसके एजाज में दी जा रही है, हमारी बहुत खुशकिस्मती है कि वो आज हमारे साथ मौजूद हैं। सऊद उस्मानी साहब, वेलकम। बहुत शुक्रिया आपका कि आपके ज़रिए मैं टैग टीवी के नाज़रीन तक पहुंच रहा हूं। आपने ये इस महफिल को रिकॉर्ड भी किया और आपने इस महफिल को दूसरों तक पहुंचाया, बहुत शुक्रिया आपका। सऊद साहब, आपने बहुत उम्दा काम किया है लिटरेचर में और आप इस वक्त भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ की जो यहाँ पे अदब तख्लीक हो रहा है ख़ासतौर पे कनाडा में, उसको आप किस नज़र से देखते हैं? देखिए, मैं कनाडा के जो लिखने वाले हैं उनसे तो बहुत पहले से मुतारिफ हूँ, अगरचे मेरा आना पहली बार हुआ है, लेकिन मैं उन सब से वाकिफ़ हूँ। यहाँ बहुत अच्छे लिखने वाले इकट्ठे हुए हैं, ख़ासतौर पर यहाँ टोरंटो के एरिया में। मसलन इशफाक हुसैन साहब, जिनकी दावत पर मैं यहाँ हाज़िर हुआ हूँ, फिर इरफान सत्तार, बहुत कमाल के शायर हैं, अदब की जुमला असनाफ से वाकिफ़ हैं। फिर नसीम सैयद बहुत अच्छी शायरा हैं, बहुत अच्छी अफसाना निगार हैं। फिर नसरीन सैयद हैं, इसी तरह सलमान अब यहाँ हैं, सलमान हैदर, ताहिर गोरा साहब यहाँ पे मौजूद हैं। तो ये सब वो लोग हैं जिन्होंने अदब में अपनी शनाख्त बनाई हुई है और इनके काम से इनको पहचाना जाता है। तो इसके अलावा भी बहुत से नाम हैं, कोई एक नाम नहीं है, लेकिन ये मैं सिर्फ चंद नामों का जिक्र कर रहा हूँ कि जो इस लेवल के लिखने वाले हैं कि जैसे हमारे यहाँ किसी ज़माने में पाकिस्तान और हिंदुस्तान में किसी शहर में एक गैलेक्सी होती थी, इसी तरह यहाँ कनाडा में, ख़ासतौर पर टोरंटो में ये मौजूद है। तो मुझे खुशी है कि इनके दरमियान में मौजूद हूँ और इन दोस्तों से बिलमुशाफा मुलाकात का भी मौका मिल रहा है। आलमी सतह पर उर्दू का फ्यूचर, देखिए मैं इस बारे में, मैं सच्ची बात है, कोई बहुत अच्छी बात नहीं कर सकता। पेशगोई इसमें की जाती है कि 2-3 नस्लें और हैं जिनमें उर्दू का रिवाज भी है और उर्दू अदब से वाबस्तगी भी है। हमारे यहाँ इस वक्त जिस अहद में हम जी रहे हैं, इसमें 70 की दिहाई में, 60 की दिहाई में, 80 की दिहाई में जो लोग शेरी तरबियत हासिल कर चुके हैं, वो यहाँ इमिग्रेशन लेकर यहाँ कनाडा में मूव हुए हैं। यही हाल पाकिस्तान का भी है और यही हाल हिंदुस्तान का भी है, लेकिन मसला ये है कि इन लोगों की शहरी तरबियत बुनियादी तौर पर पाको हिंद में हुई थी। अब इनके बाद जो नस्लें आ रही हैं, ख्वाह वो अमेरिका हो और ख्वाह वो कैनेडा हो या यूरोपियन ममालिक हों, उनमें बहुत बड़ा मसला है कि जिन बच्चों की तरबियत यहाँ हुई है
और जिनकी परवरिश यहाँ हुई है उनकी अदब से भी, कल्चर से भी, ज़ुबान से भी और मुल्क से भी उस तरह की वाबस्तगी नहीं है जिस तरह की उनसे पहले नस्लों की है। तो ये एक बड़ा लम्हा फिक्रिया है और मुझे ख्याल होता है कि मैं जब इस तरह की तकरीबात में जाता हूँ तो मैं देखता हूँ कि नौजवानों की तादाद कितनी है और बदकिस्मती से वो कोई बहुत तसल्ली बख्श सूरत हाल नहीं है। इस तरफ हमें तवज्जो देनी होगी। अगर हमें उर्दू का मुस्तकबिल बचाना है तो हमें अपनी अगली नस्लों को उर्दू से रोशनास कराना होगा। आप कोई मैसेज देना चाहते हो हमारे थ्रू उर्दू की और जनरली दुनिया में जो भी ऑडियंस आपको देख रही है उसके लिए? जी हाँ, ये जो बात हम कर रहे थे, मेरा तो पैगाम वही है। एक तो ये कि वो उर्दू इतनी बड़ी ज़ुबान है कि उसमें किसी भी ज़ुबान के अल्फाज बासानी समो जाते हैं, बड़ी खूबसूरती से उसमें शामिल होते रहते हैं और हर ज़िंदा ज़ुबान का ये मामला होता है कि दरिया की तरह उसमें नदी नाले और झरने आकर शामिल होते रहते हैं और दरिया का पानी इजाफा होता रहता है। लेकिन ये गलत होगा कि अगर हम उर्दू के खूबसूरत अल्फाज को तब्दील करके उसकी जगह किसी और ज़ुबान के अल्फाज शामिल कर दें, जबकि वो हमारे ज़खीरे अल्फाज में, हमारे वरसे में, हमारे नस्लों की तरके में मौजूद हों। तो एक तो ये है कि उर्दू को ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दीजिए, उर्दू ज़्यादा से ज़्यादा पढ़िए, बोलिए और लिखिए। और दूसरा, इसी पैगाम का दूसरा हिस्सा ये है कि अपनी जो आइंदा नस्लें हैं उनको उर्दू ज़ुबान ज़रूर पढ़ाइए, उनको उर्दू ज़ुबान अपनी कल्चर से, अपने दीन से, अपने मुल्क से इनकी वाबस्तगी होनी चाहिए, जो बदकिस्मती से हम रोज़ बरोज़ उसमें हमारी कमी हो रही है। तो यही मेरा पैगाम है। मौजूद ख़वातीन हज़रात, आदाब व तस्लीमात, मेरा नाम सीमा नकवी है और आज हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं बहुत खूबसूरत मुशायरे के लिए जिसका इनकार किया है उर्दू इंटरनेशनल के बानी और हमारे जाने पहचाने नाबगा रोज़गार शायर मोहतरम अशफाक हुसैन ने। और ये बड़ी खुशायन बात है कि ऐसे शोरा की बदौलत जिन्होंने यहाँ टोरंटो का उर्दू अदब का मंजरनामा जो है वो बिल्कुल बदल के रख दिया है। हमारी खुशकस्मती कि आज के हम उस इस अहद में जी रहे हैं जिसमें हमारे साथ अशफाक हुसैन, इरफान सत्तार, नसीम सैयद और ऐसी बहुत सी नाबगा रोज़गार शोरा और शायरात टोरंटो के मंजरनामे में हैं। आज का ये मुशायरा बड़ी खुशायन चीज़ है। कोविड के दो साल के बाद जो हम आज यहाँ इकट्ठे हुए हैं और मैं देखती हूँ कि यहाँ बहुत सारे लोग जमा हैं, तो उसकी वजह एक तो ये है कि कोविड के बाद हम बहुत दिनों के बाद ये महफिलें करें और इसके साथ साथ ये मुशायरा आज हमारे बहुत जाने पहचाने और आज के पाकिस्तान के मशहूर शायर मोहतरम सऊद उस्मानी के लिए के एजाज़ में हो रहा है और हमारी खुशकस्मती के वो भी आज हमारे साथ मौजूद है। इसके साथ साथ मैं बस एक बात ये करना चाहूँगी कि मुशायरे हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे बुज़ुर्ग, हमारे सीनियर्स, हमारे मोतबर शोरा मुशायरों का इनेकाद करते हैं लेकिन हम हमारे नौजवान उससे दूर रहते हैं। तो इस चीज़ की मुझे थोड़ी सी शिकायत भी है और हमारी ख्वाहिश है कि ये बच्चे और ये नौजवान जो आज के नौजवान हैं जो हमारी अगली नस्ल हैं वो इन मुशायरों में आएँ और इसके लिए हमारी कोशिशें जारी रहनी चाहिए। और इसी के साथ साथ यकीनन हमें कुछ यूथ के लिए भी ऐसा काम करना चाहिए, कुछ ऐसे क्लब्स बनाने चाहिए जो हमारी ज़बान को लेकर आगे बढ़ें जिसकी वजह से उनकी इन मुशायरों में शिरकत ज़रूरी हो जाए। मैं मुबारकबाद पेश करती हूँ अशफाक हुसैन साहब को और आज के इस मुशायरे को और सऊद उस्मानी साहब को खुशामदीद कहती हूँ। बहुत शुक्रिया। सऊद उस्मानी साहब के एजाज़ में जो ये तकरीब हो रही है इसमें बहुत सारे लोग मौजूद हैं हमारे कम्युनिटी के जो कि उर्दू पे काम कर रहे हैं अपने अपने अंदाज में, अपने अपने एक्सप्रेशन में। इस वक्त हमारे साथ हमारे कम्युनिटी के बहुत ही मशहूर जाने माने शख्सियत जनाब आसिफ जावेद साहब मौजूद हैं। आइए उनसे पूछते हैं कि वो आज की इस तकरीब के बारे में अपनी क्या राय देते हैं। जी आसिफ साहब जी, बड़ा शायराना माहौल है और ये अशफाक हुसैन साहब की मैं ब्यूटी कहूँगा कि उन्होंने शहर की जो अदबी फ़ज़ा है उसको एक सकाफती और एक समाजी फ़ज़ा में बदल दिया है और पूरी टोरंटो की जो कैनेडियन पाकिस्तानी डायस्पोरा है उसकी यहाँ पर नुमाइंदगी दिखाई दे रही है और लिटरेचर से ताल्लुक़ रखने वाले ज़्यादातर अफराद और
सोसाइटी के जो मुमताज़ अफराद हैं वो सब यहाँ मौजूद हैं और सब सब के सब बे इंतहा अदबी और शहरी उनका ज़ौक है और उस ज़ौक के पेश नज़र वो लोग इस तकरीब के अंदर आए हैं। आज की तकरीब जो है वो बहुत मज़ेदार होने वाली है और अशफाक उस ये सारा क्रेडिट अशफाक साहब को जाता है कि वो कम्युनिटी को मोबिलाइज रखते हैं। आर्ट की मुख्तलिफ शक्लें हैं और आर्टिस्ट किसी भी रंग में शायरी और उर्दू अदब को बहुत सराहते हैं। हमारे पास ऐसी ही एक टैलेंटेड खातून मौजूद हैं जो कि आज के इस मुशायरे में शिरकत के लिए आई हैं। अब हम इनसे पूछेंगे कि इनका लगाव शेर व शायरी और अदब के साथ किस हद तक गहरा है और वो इसके बारे में कैनेडा में रहते हुए क्या सोचती हैं। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर द इंट्रोडक्शन। बस मैं जब से कनाडा आई हूँ, मुझे हमेशा अदब से बहुत दिलचस्पी थी क्योंकि मेरा अपना बैकग्राउंड इंग्लिश लिटरेचर का था। तो बस यहाँ आके अपने लोगों में मुलाकात करके और एक सर्कल डेवलप किया और यहाँ पे सारे शोरा से मुलाकात हुई और अब मैं रेगुलरली ये सारे इवेंट्स अटेंड करती हूँ क्योंकि मुझे मौका मिलता है अपने मुल्क के लोगों से इंटरेक्ट करने का और हमारे बहुत अच्छे शोरा आते हैं, विज़िट करते हैं और इशफाक भाई हमेशा एक प्रोग्राम रखते हैं तो आई ऑलवेज़ लाइक टू अटेंड एंड बी पार्ट ऑफ दीज इवेंट्स। आप गाना गाती भी हैं और शौक़ भी रखती हैं और जो गाना गाता है उसको अच्छी शायरी से हमेशा लगाव होता है, तो आप क्या समझती हैं कि पाकिस्तानी कल्चर में अदब, शायरी, म्यूज़िक किस हद तक एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं? ये तो जी बहुत बिल्कुल साथ साथ ही लगे हुए हैं एक दूसरे के, और अदब के बग़ैर तो, शायरी के बग़ैर तो कोई गाने का और म्यूज़िक का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि हमें अपनी म्यूज़िक को समझने के लिए और अपनी पोइट्री को अप्रिशिएट करने के लिए हमें उसे पढ़ना चाहिए, हमें उसे इन्जॉय करना चाहिए और ऐसे इवेंट्स हमें ज़्यादा से ज़्यादा अटेंड करने चाहिए ताकि हमें और से ज़्यादा से ज़्यादा हमें मौका मिले इन चीज़ों को अप्रिशिएट करने का, इन्हें सीखने का और इनको फैलाने का। थैंक यू वेरी मच फॉर शेयरिंग योर ओपिनियन। थैंक यू सो मच। उर्दू इंटरनेशनल कनाडा टोरंटो में उसकी एक रवायत है, इसलिए कि इसमें कोई 42 साल से मैं कनाडा में हूँ, टोरंटो शहर में, और हमने बहुत सारे अदबी और सकाफती प्रोग्राम की यहाँ बुनियाद रखी है। उसी सिलसिले की आज एक ये कड़ी जो है वो हमारे अदबी नशिस्त है। पाकिस्तान से के नौजवान शायर, नई नस्ल के शायरों में, जब नौजवान या तो थे किसी ज़माने में लेकिन नई नस्ल के शायरों में सऊद उस्मानी साहब का नाम बहुत काबिल ज़िक्र है। लाहौर से तशरीफ़ लाए हैं वो, तो हमारी खुशकिस्मती है कि आज ये जब हम उनका कलाम सुनेंगे, पहली बार टोरंटो आ रहे हैं और बहुत अच्छे शायर हैं, इनका आप सुनेंगे शेर जो लोग यहाँ प्रोग्राम में देखेंगे उनको अंदाज़ा होगा। तो ये एक अदबी नशिस्त है उर्दू इंटरनेशनल की तरफ से और उम्मीद है कि लोगों को पसंद आएगा। ये जो कहा जाता है कि नई नस्ल जो है वो उर्दू से दूर है, तो उसकी दो बड़ी वजह, एक तो ये होता है कि आदमी जिस माहौल में रहता है वहाँ की ज़बान, वहाँ का अदब सीखता है, तो यहाँ पर अंग्रेज़ी का माहौल है तो इन्हें हमें उर्दू के हवाले से ये बात करनी होगी कि पाकिस्तान में उर्दू की क्या सूरत हाल है, हमें ये देखना है। तो इस हवाले से हम देखते हैं कि वो पाकिस्तान में उर्दू की बहुत बेहतर सूरत हाल है, पढ़ी जा रही है, लिखी जा रही है, समझी जा रही है, नौजवानों का एक बड़ा तबका एक ये है। जहाँ तक शेर व शायरी का ताल्लुक है वो दुनिया की हर ज़बान में कम है, अंग्रेज़ी में भी कम हो रहा है। जो 200 साल पहले अंग्रेज़ी में जिस तरीके शायरी होती थी वो यह हमारे इंडिया पाकिस्तान में थी, वहाँ पर भी कम हो रहा है। उसकी वजह है कि बहुत से डिसिप्लिन पैदा हो गए हैं नई नस्ल के लिए, तो इसलिए अगर वो कमी है तो कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन जो लोगों को दिलचस्पी है वो दिलचस्पी है। और उर्दू चूँकि एक लिंगुआ फ्रैंकुआ ज़बान है जो कि मुख्तलिफ़ ज़बानें लोग वाले लिख ना सके, पढ़ ना सके, लेकिन सुन सकते हैं और समझ सकते हैं, ये इसकी खूबी है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर शनाज शोरो। जी डॉक्टर साहबा, देखिए मुशायरे हमारी रवायत का बहुत खूबसूरत हिस्सा है और आज का जो प्रोग्राम है उर्दू इंटरनेशनल के तआवुन से हो रहा है। उर्दू इंटरनेशनल वो फोरम है जहाँ पर माजी में भी शोरा जमा होते रहे हैं और जितने भी मुशायरे हुए हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म के जो मुशायरे हुए हैं वो इस तंजीम के ज़ेर एहतमाम होते रहे हैं। तो ना सिर्फ पाकिस्तानी बल्कि जो पूरा साउथ एशियन कम्युनिटी है वो इन मुशायरों में आती है, आपस में मिलती है और ये रिवायत कैनेडा में भी कंटिन्यूड है। दिस ब्यूटीफुल थिंग, क्योंकि
इससे ये होता है कि हर तबका आता है, यानी जो लोग आपस में नहीं मिल सकते, दोस्त नहीं है, वो भी यहाँ जमा होते हैं उर्दू की मोहब्बत में, शायरी की मोहब्बत में। तो मेरा ख्याल ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। और आज जैसे कि आप पाकिस्तान से आए हैं सऊद उस्मानी साहब, इससे पहले भी पाकिस्तान से बड़े बड़े शोरा आते रहे हैं, तो दिस इज़ अनदर अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस हु हैव बीन लिविंग इन कनाडा टू मीट सऊद साहब एंड लिसन टू हिज पोइट्री। आप क्या समझती हैं कि नौजवान नस्ल में मुशायरा या द कॉन्सेप्ट ऑफ पोइट्री, उर्दू पोइट्री, वो कैसे चल रहा है और उसके लिए आप कितनी पुरउम्मीद हैं? अच्छा, आपका ख्याल, आपका सवाल जो है कैनेडियन नौजवानों के बारे में या पाकिस्तानी नौजवानों? मेरे ख्याल ग्लोबल वर्ल्ड में हम बहुत सारा कुछ लोकली भी प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, लेकिन इंटरनेशनली भी हमारा कंट्रीब्यूशन, किसी भी ज़ुबान में कहीं पे भी आप लिखें तो वो उसका कंट्रीब्यूशन होता है। आप दोनों पर बात कर सकती हैं। थैंक यू। देखिए, पाकिस्तानी नौजवान तो शायरी से कदरे जुड़ा हुआ है। कदरे से मेरी मुराद एक ऐसा नहीं जुड़ा हुआ जैसे 30 साल या 40 साल पहले जुड़ा हुआ था, क्योंकि सीनियर शोरा होते थे, ना सिर्फ मुशायरे पाबंदी से होते थे बल्कि अदबी प्रोग्राम्स और जो नशिस्त होती थी उनसे उन्हें सीखने का मौका मिलता था, उनकी इसलाह होती थी, किसी न किसी पोइट के साथ वो एक एसोसिएशन पैदा करते थे, फिर अपना कलाम उन्हें दिखाते थे, मज जाते थे, तब जाकर स्टेज पर आते थे। तो ये बड़ी बदकिस्मती है कि उन्हें ये मौके वहाँ भी मैसर नहीं है, कम है, यहाँ तो बिल्कुल ही मैसर नहीं है। अच्छा, यहाँ का नौजवान का ये मसला है, मैंने देखा है कि उर्दू ज़ाहिर एक नहायत खूबसूरत ज़बान है और उर्दू शायरी, अभी तक हम ये कहते हैं कैथारसिस के लिए, मेरे पास तो उर्दू शायरी से बड़ा कोई ज़रिया है नहीं। तो इसमें ये है कि नौजवान, चूँकि हम देखते हैं कि मुशायरे में नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते, नौजवानों के लिए अंग्रेज़ी ज़बान उनकी कौमी ज़बान है यहाँ की, तो वो क्यों आए? लेकिन अब भी जो पेरेंट्स लेकर आते हैं तो बहुत कम तादाद में ही सही, लेकिन बहरहाल बच्चे आते हैं। सिचुएशन बहुत ज़्यादा होपफुल नहीं है आउट से तो, लेकिन बहरहाल अब क्या किया जा सकता है, वही चैलेंजेस हैं जो कि बाकी तमाम ज़बानों को भी हैं। और हम शायद इस दौर में जी रहे हैं जिसमें कि ग्लोबलाइजेशन की वजह से ज़ुबान में भी बहुत ज़्यादा तब्दीली है। तो आज आपने हमारे साथ अपने ख्यालात शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। कम्युनिटी की दो इंतहाई मारूफ शख्सियात हमारे साथ मौजूद हैं जिनके अपने अपने कॉन्ट्रीब्यूशन हैं अपनी अपनी फील्ड में। आज उनसे हम गुफ्तगू करते हैं कि उर्दू अदब के हवाले से, इस वक्त हम सऊद उस्मानी साहब की तकरीब में मौजूद हैं, तो इनकी क्या राय है कि हमारा कल्चर, आर्ट और ज़ुबान किस तरफ जा रही है? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे ख्याल में सबसे पहले तो मैं अशफाक भाई को मुबारकबाद देना चाहूँगा। अदबी दुनिया में जितनी इन्होंने कंट्रीब्यूशन की है और माशाल्लाह उनको रिकग्नाइज भी किया गया है कनाडा के अंदर, 70s, 80s, 90s में जो बड़े बड़े मुशायरे और लेजेंडरी पोइट्स, फैज़ अहमद फैज़, अहमद फराज, यू नेम इट, कैफ़ी आज़मी साहब वहाँ से, बशीर बदर हिंदुस्तान से, आपके मजरू सुल्तानपुरी, जाफरी साहब, सरदार जाफरी, यानी ये वो नाम हैं जो सदियों तक उर्दू अदब और लिटरेचर में उनका मकाम रहेगा। ये जो हज़रत तशरीफ़ लाए उस्मानी साहब, ये भी बहुत बड़ा नाम है और मैं उनको खुश आमदेद कहता हूँ। और इशफाक भाई को मैं दुआ देता हूँ कि वो इस तरह की महफिलें मुनक़िद करके हम लोगों को ना सिर्फ उनसे मिलने का मौका देते हैं, बकौल शायर, तुम तखल्लुस को भी अखलास समझते हो फराज, दोस्त होता नहीं हर हाथ मिलाने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया आप। जी, आप क्या अपनी राय देना चाहेंगे? जी, हलीमा साहिबा हमारी सिस्टर हैं, छोटी बहन हैं। मैं इशफाक साहब के बारे में ये बताऊंगा कि मैं ये बशीर खान साहब 1972 में कनाडा तशरीफ़ लाए और मैं 1977 में कनाडा आया, तो उर्दू में कोई काम नहीं हो रहा था। और जब से अशफाक हुसैन साहब टोरंटो तशरीफ़ लाए हैं, उस वक्त से आप देख रहे हैं कि मुशायरे, ये सिर्फ शायर नहीं हैं, ये नकाद भी हैं, ये नसर भी लिखते हैं, और उन्होंने तकरीबन 20 किताबों के ये मुसन्निफ़ हैं।
और इन्होंने पाकिस्तान में बड़ा काम किया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा को उर्दू सिखाने की जो ड्यूटी मिली थी वो अशफाक हुसैन साहब को मिली थी। ये बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है इनकी। और उसके बाद ये जब कनाडा तशरीफ लाते हैं तो आज तक अगर अशफाक हुसैन साहब को टोरंटो की कम्युनिटी से, शहरों की कम्युनिटी से निकाल दिया जाए तो ये सारा जो है निज़ाम दरहम बरहम हो जाएगा। हम इशफाक साहब को दुआ देते हैं कि अल्लाह ताला इनको और तरक्की दे और इनको और हिम्मत दे और ये पाकिस्तान के, हिंदुस्तान के और जो भी उर्दू समझने वाला या सुनने वाला है या पढ़ने वाला है या देखने वाला है उनके लिए ये काम करते रहें। बहुत शुक्रिया। मेरे पास कम्युनिटी की एक और शानदार शख्सियत जो कि इंग्लिश लिटरेचर में बहुत काम कर रही हैं और मेन स्ट्रीम के साथ जुड़ी हुई हैं, ज़ोहरा ज़ुबैरी साहिबा। आज हम इनसे गुफ्तगू करेंगे कि वो अदब के बारे में क्या राय रखती हैं और ख़ास तौर पे वो अदब जो कनाडा में इस वक्त प्रोड्यूस हो रहा है उसके बारे में उनकी क्या राय है। मेरा ये ख़्याल है कि हमारी जो कम्युनिटी है वो उसके बायलिंगुअल सीन है कनाडा में। जितना इंग्लिश लिटरेचर में मैं इन्वॉल्व हूँ लेकिन मैं जब देखती हूँ कि हमारे कितने ज़्यादा अदीब यहाँ पर हैं, आई थिंक टोरंटो इज़ प्रॉबली शायद ये गहवारा है अदब का नॉर्थ अमेरिका में सबसे बड़ा, जितने शायर यहाँ पर मौजूद हैं और जितने शोरा। तो अदब का ज़ाहिर है कि ज़िंदगी पर असर पड़ता है। जिस कम्युनिटी में अदब लिटरेचर थ्राइव नहीं करता वो कम्युनिटी थ्राइव नहीं करती। तो उससे इंस्पिरेशन मिलती है लोगों को। मैंने असल में शुरू की थी उर्दू में लिखना, पहला ड्रामा भी उर्दू में प्रोड्यूस किया था, लेकिन ये कि मुझे उर्दू शायरी से भी दिलचस्पी रही है। थोड़ी बहुत मैंने कोशिश भी की थी, एक आध चीज़ लिखी भी थी, लेकिन मैं अब इंग्लिश में इसलिए वो हो गई कि मुझे लगा मेन स्ट्रीम में मेरा अप्रोच हो तो ज़्यादा अच्छा है। आप क्या समझती हैं, ये कहते हैं कि आर्ट किसी भी शक्ल में बियॉन्ड बाउंड्रीज होता है, यानी कि उसकी कोई सरहद नहीं होती, और अब जिस हम ग्लोबल वर्ल्ड में रह रहे हैं उसमें आइडियाज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप क्या समझती हैं कि किस हद तक उर्दू लिटरेचर पे बाकी दुनिया के लिटरेचर्स का इम्पैक्ट है? अच्छा, जो लिखने वाले हैं ख़ास तौर पे वो किस तरह इसको ऑब्जॉर्व कर रहे हैं? अच्छा, मैं गई थी वहाँ पर वाशिंगटन डीसी में, एम्बेसडर हक्कानी ने इनवाइट किया था एक दफ़ा, तो वहाँ पर बहुत सारे ऑथर्स आए हुए थे पाकिस्तान से और इंग्लैंड से, पाकिस्तानी वेमेन मोस्टली, तो देवर राइटिंग मतलब उर्दू में भी लिख रही थी, इंग्लिश में भी लिख रही थी, और वो ये कहती थी कि अदब का जो है असर, वो जब तक आप अदब को प्रमोट नहीं करेंगे आपकी सोसाइटी हेल्थी नहीं हो सकती। और अदब के ज़रिए अब जैसे वो है, आई डोंट नो अगर आप जानती हैं उनको, डॉक्टर कौन है, मुझे इसका नाम नहीं याद आ रहा, प्रोफेसर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर हैं, लेकिन उन्होंने उर्दू की जो पाकिस्तान में गाने वाले हैं लेडीज़, उनके ऊपर उन्होंने एक किताब लिखी है, क्या स्ट्रगल है पाकिस्तानी औरतों की इन कमिंग इन मीडिया एंड सो ऑन। तो उस किताब, इस तरह की किताबें अगर आप पढ़ें तो उसके बाद फिर अगर आपके, मैं समझती हूँ कि फोकस ग्रुप्स जो हैं अदब के बाद, जैसे मुशायरा है, मुशायरे में आपको पता चलता है बहुत सारी चीज़ें आप सीख के जाते हैं, लेकिन बाद में उस पर तबसरे जो होते हैं वो आपकी सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती हैं वो चीज़ें। तो मेरा अपना ये ख्याल है कि जहाँ अदब नहीं है वहाँ वो नहीं हो सकते डेवलपमेंट ऑफ द थॉट प्रोसेस नहीं डेवलप हो सकता, वहाँ पे डिस्कशन, हेल्थी डिस्कशन नहीं हो सकते, वहाँ आप एक जिस कटहरे में बंद हैं बस उसी में बंद रहते हैं, उससे आगे नहीं निकलते, आज़ाद फिजाएँ देखें, उसमें जाएँ अपनी खुली हवा में और फिर खुल के लिखें जो भी लिखें ना। तो मैंने अभी जो लिखी है किताब उसमें उन्होंने, वो एक स्कॉलर ने उसको कैटेगराइज़ किया है, जो कि पता नहीं उर्दू में वो लफ्ज़ है कि नहीं उसका मतलब, मगर मैं चाहती हूँ कि शायद आपको पता हो वो उर्दू का लफ्ज़, बिलरंग्स रोमन उन्होंने कहा है मेरी जो किताब है मेमोर। तो बिलरंग्स रोमन जैसे ईंट पे ईंट रख के पूरी इमारत बनती है, तो इसी तरह अदब में भी यही है मेरे ख्याल से। इसके लिए एक बड़ी अच्छा क्लीशे है, रोम वॉज नॉट बिल्ट ओवर अ नाइट। वेल सेड, यस दैट्स ट्रू। सो यू हैव टू एक्चुअली सीड द प्लांट एंड देन यू कैन एक्सपेक्ट फॉर द फ्रूट। हाँ अच्छा, और जहाँ तक लोग ये कहते हैं ना कि हम लोग अदब में इस तरह की भी चीज़ें आई हैं यहाँ पर इमिग्रेंट्स की, कि हम लोग इस तरह हैं जैसे गमले में
है ना, एक शायद अशफाक साहब का ही कोई शेर है बड़ा अच्छा सा कि जैसे हमें मतलब ट्रांसप्लांट किया हुआ है, लेकिन हम लोगों को अब अपनी रूट्स बनानी है, रूट्स बनानी है और दोनों लैंग्वेजेस में बनानी है, क्योंकि मिसिसागा या पील रीजन में तो ख़ास तौर से 50% से ज़्यादा लोग जो हैं वो उर्दू समझते हैं, यू नो, चाहे वो इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, ईस्ट अफ्रीकन्स हैं। तो अदब की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है इस सोसाइटी में, और वो जितने भी लोगों से आप पूछें, शायर पाकिस्तान में भी बड़े मशहूर हो रहे हैं, यहाँ के मेरे पास आपको पता है वहाँ से आते हैं, इरफान सत्तार साहब के कोई रिकॉर्डिंग आ जाती है कभी किसी के, मैं कहती हूँ हम तो उन लोगों को पर्सनली सुन रहे हैं यहाँ पे मिसिसागा में, टोरंटो में, यू नो। तो आप लोगों के भी बहुत बड़ा वो है किरदार इसमें आपने अदा किया है, शुक्रिया बहुत बहुत। हवाले से अगर हम बात करें तो सगीर असलम साहब भी इस वक्त एक बहुत अच्छा नाम है जो कि उर्दू शायरी के अंदर अपना एक मुकाम रखते हैं, आज हमारे पास मौजूद हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो क्या समझते हैं, क्योंकि उनका पाकिस्तान में भी बहुत अहम किरदार रहा, यहाँ पे भी वो काम कर रहे हैं। तो उनसे हम ये पूछते हैं कि आप ये बताइए कि उर्दू अदब में इस वक्त जो काम हो रहा है, क्या वो इस पाए का है कि वो ग्लोबल वर्ल्ड के अंदर अपनी कोई हैसियत मनवा सके? बहुत शुक्रिया आपका। ये तो खैर फैसला वक्त करता है, लेकिन मुख्तलिफ जगहों पे जो काम हो रहा है उसमें हर तरह का काम इस वक्त हमारे सामने आता है। कुछ काम बहुत कमज़ोर है और कुछ काम इस तरह का है कि जो यकीनन अपने जब ये वक्त गुजरेगा तो उस वक्त जब उसको कोई तनकीद वाले लोग या बाकी देखेंगे तो वो एवेल्यूएट कर सकेंगे। बहरहाल आज के दौर का जो काम है स्पेशली यहाँ पे कनाडा में और नॉर्थ अमेरिका में, वो उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, वो एक बहुत वैल्यूएबल काम है। बाकी कबल अज़ वक्त ये मुश्किल होता है कहना, मैं बहुत मस्बत सोच रखता हूँ इस हिसाब से कि कमज़ोर काम भी बहुत हो रहा है, और उसकी वजह आपको पता है कि सोशल मीडिया और इनकी चीज़ों की वजह से लोग बहुत जल्दी अपने आप को एक्नॉलेज करवाना चाहते हैं, जबकि ये काम ऐसा है नहीं कि आप फौरन ही या रातों रात कोई, मुसलसल मेहनत का काम है, और जब आप शौक और लगन के साथ लगे रहते हैं तो यकीनन ये एक अपने वक्त का कीमती काम है। तहजीब व तमद्दन में ज़ुबान बहुत अहम किरदार अदा करती है, आप बहुत ज़्यादा पाकिस्तान से भी जुड़े हुए हैं और फिर यहाँ पे भी काम के साथ बहुत जुड़े हुए हैं, तो आप क्या समझते हैं कि आज की उर्दू और उर्दू पे जो काम हो रहा है वो बहुत मयारी है या एवरेज है, या आप उसको किस तरह अपनी ओपिनियन देना चाहेंगे? उर्दू ज़ुबान के हिसाब से तो बहुत मयारी कहना ज़रा खुशफहमी वाली बात होगी। ज़ुबान आपको पता है मुसलसल उसकी इर्तका का शिकार रहती है, लेकिन अब उर्दू का जो मामला है, उर्दू की कुछ साख्त ऐसी है कि उसमें अरबी और फारसी और ये चीज़ें बहुत आम थीं, वो सारी निसाब से भी निकल गई। पाकिस्तान में भी यही हाल है, और आप लिखने में भी और बोलने में बहुत बहुत कमज़ोरी है, बहुत मयारी काम नहीं है, इसकी तरफ तवज्जो देने की ज़रूरत है। थैंक यू। अहद हाज़िर की शायरी में एक बहुत कदावर नाम, आप उर्दू अदब में जब भी इस अहद का कंट्रीब्यूशन और उसकी बात करेंगे तो आप इरफान सत्तार की गज़ल को ज़रूर शामिल रखेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आज सऊद उस्मानी के एज़ाज़ में जो तकरीब हो रही है उसमें खुशकिस्मती से इरफान सत्तार साहब भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं कि वो अहद हाज़िर की शायरी और उर्दू अदब में उसका कॉन्ट्रीब्यूशन, इसके बारे में क्या राय रखते हैं? जी हलीमा, बहुत बहुत शुक्रिया, और हमारे लिए तो ये बड़ी खुशी की बात होती है कि कनाडा जैसे मुल्क में इस तरह की मयारी अदबी तकरीबात का इनेकाद होता है, और अशफाक हुसैन साहब का बहुत कंट्रीब्यूशन है। उर्दू अदब का जहाँ तक सवाल है, ये तो एक बहुत ही वाइब्रेंट और डायनामिक एरिया है जिसमें मुसलसल काम हो रहा है, ग्रोथ हो रही है, नए लोग आ रहे हैं। अलबत्ता नौजवान नस्ल की जो रग़बत कम हुई है उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है, और इस तरह की तकारीब ज़रूर एक किरदार अदा करती हैं माशरे को जोड़े रखने का अदब से और कल्चर से, तो उस एतबार से एक बड़ी खुशी की बात है, और मुझे उम्मीद है कि ये तकारीब जारी रहें तो कनाडा जैसे मुल्क में भी उर्दू का और उर्दू अदब का फ़रोग जारी रहेगा। इस वक्त हम ग्लोबल दुनिया में रह रहे हैं, तो बहुत से लोग ये कहते हैं और ख़ास तौर पर हमारा ये मानना है कि उर्दू अदब में जहाँ कहीं भी काम हो रहा है वो उर्दू अदब में शामिल है, उर्दू का कोई भी काम दुनिया के किसी भी हिस्से में हो रहा है वो उर्दू अदब का ही हिस्सा है। तो इस सिलसिले में आप क्या समझते हैं कि क्या ग्लोबल दुनिया की वजह से उर्दू की नर्चरिंग कम हुई है, बड़ी है, या
किस तरह का काम हो रहा है? नहीं, यकीनन बढ़ी है, क्योंकि जब लोग दूसरे मुल्कों में जाके आबाद होते हैं तो नए तजर्बात, ज़िंदगी देखने के नए नए जाविये अदब में सराहियत करते हैं। और अब तो अगर आप देखें तो सिर्फ नॉर्थ अमेरिका में ही जिस तरह की कद्दावर शख्सियात मौजूद हैं, उससे आपको अंदाज़ा होता है कि आज आप उर्दू अदब का मंजरनामा कनाडा और अमेरिका में मुकीम शोहरा के तस्करे के बग़ैर किसी सूरत में मुकम्मल कर ही नहीं सकते। तो अब तो बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया कि ग्लोबल विलेज है, सरहदें कोई मायने नहीं रखती अदब के मामलात में, और हम सब अपने अपने बिसात के मुताबिक कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं और करते रहेंगे। अभी मेरे पास ज़ोरा ज़ुबैरी मौजूद थी और वो मेन स्ट्रीम इंग्लिश पोइट्री पे भी काम करती हैं। उन्होंने ये राय दी कि इस वक्त जो काम उर्दू में या लिटरेचर में कनाडा में हो रहा है, उस पाए का शायद और कहीं पे भी नहीं हो रहा। आपकी बहुत गहरी नज़र है, आपकी राय? देखें, ये किसी एक मुल्क के बारे में इस तरह से स्वीपिंग रिमार्क मेरा नहीं ख्याल दिए जा सकते हैं, क्योंकि ये लोगों पे मुनहसर है कि जब कनाडा में आके अगर अशफाक हुसैन आबाद होते हैं और शाहिदा हसन होती हैं और नसीम सैयद होती हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कनाडा का कंट्रीब्यूशन कहलाता है। इसी तरह से अमेरिका में जिस तरह से लोग आके आबाद हुए, यूरोप में हुए, अमारात में हुए, तो पाकिस्तान और हिंदुस्तान बहरहाल उर्दू के बड़े मरकज़ हैं और रहेंगे, मगर उनके पैरेलल ये तमाम मराकज़ डेवलप हो रहे हैं और अपना अपना हिस्सा डाल रहे हैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि हम ये कह सकते हैं कि जी यहाँ जितना बड़ा अदब तख्लीक हो रहा है वो कहीं भी नहीं हो रहा। हाँ, उस बड़े अदब की आबियारी में यकीनन एक बहुत बड़ा हिस्सा है कनाडा में और अमेरिका में रहने वाले शोरा और शायरात का और बाकी अदबा का। आप कोई पैगाम देना चाहते हो ख़ास तौर पर नौजवान नस्ल को जो ग्लोबल माइंड के साथ, उर्दू लिटरेचर के साथ जुड़ी हुई है? देखें, नौजवान नस्ल तक तो शायद ये पैगाम इस मीडियम से ना पहुंच सके, लेकिन जो जिन लोगों तक पहुंच रहा है उनसे मैं ज़रूर कहूंगा कि अपने आइंदा नस्लों को उर्दू की तरफ रागिब करें, उर्दू को ओन करें, अपोलोजेटिक इस मामले में ना हो। अंग्रेज़ी हमारा ज़रिया रोज़गार के लिए एक बहुत अहम ज़ाहिर है, हमारी शख्सियत का हिस्सा है, मगर इसका ये अदब नहीं है कि हम, मतलब ये नहीं है कि हम गिव अप कर दें उर्दू को। और अब तो इंटरनेशनल, जैसे आपने कहा, ग्लोबल विलेज है ये, तो यहाँ तो बायलिंगुअल होना एक बहुत अहमियत रखता है, चाहे वो उर्दू हो, हिंदी हो, पंजाबी हो। तो अपनी जो भी ज़ुबान है उसको आप कायम रखें, फ़रोग दें और अपनी नई नस्ल को रागिब करें और उनको बताएं कि ये कितनी खूबसूरत चीज़ें हैं और इनका ज़िंदगी में क्या हिस्सा है। बहुत शुक्रिया आपकी राय का और आपके ख्यालात हमारे साथ शेयर करने का। बहुत शुक्रिया हलीमा, थैंक यू वेरी मच।